हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? तो दोस्तों, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं लगा था और अब मैं आ गया हूँ वापस। तो मैं कोतुल लिव्स अलोन के एपिसोड नंबर 3 से स्टार्ट करने देता हूँ। और हमें दिखाया था कोतुल लिव्स अलोन के एपिसोड नंबर 3 के स्टार्टिंग में कि अपना जो कोतुल होता है एक जगह खड़ा रहता है और उसके सामने एक बंदा होता है जिसके हाथ में बहुत सारे बलून होते हैं। और वो बंदा सोच रहा था कि ये बच्चा मुझे कब से देख रहा है 5 मिनट से, तो क्या मुझे इससे बात करना चाहिए। और तभी कोतुल उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि क्या ये डेंजरस नहीं है? तो बंदा बोलता है कि मतलब, फिर अपना कोतुल बोलता है कि इतने सारे बलून तुमने पकड़ के रखे, कहीं तुम उड़ तो नहीं जाओगे? तो वो बंदा हंसने लगता है और फिर बोलता है कि तुम्हें भी एक बलून चाहिए क्या? तो अपना कोतरो बोलता है कि मुझे रेड ग्रीन ब्लू बलून चाहिए। तो वो बंदा बोलता है कि नहीं नहीं तुम सिर्फ एक ही बलून ले सकते हो। तो अपना जो कोतरो होता है वो सिर्फ एक बलून लेता है, रेड बलून, और वो उसके सिस्टर के लिए होता है। तो अपना जो बंदा होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम ले जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो कोतरो होता है वो भेस बदल के, मतलब टोपी पहन के आ जाता है और आके बोलता है मुझे एक बलून चाहिए। तो वो जो बंदा होता है जिसके हाथ में बलून होता है वो पूछता है कि क्या तुम इससे पहले नहीं आए थे? तो अपना कोतरो बोलता है नहीं, क्या उसने मेरे जैसे कैप पहनी थी क्या? तो वो बंदा बलून वाला समझ आता है कि हाँ, इसने अपना आउटफिट चेंज किया और फिर से बलून मांगने आया। तो बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, एक और बलून दे देते हैं इसको। तो अपना जो कोतरो होता है वो अपने ब्रदर के लिए एक बलून ले लेता है ब्लू कलर का। और फिर ऐसे ही करते करते अपना जो कोतरो होता है वो दो बलून और ले लेता है, एक अपने पापा के लिए, एक मम्मा के लिए, और एक सिस्टर के लिए, एक ब्रदर के लिए। और फिर वो बैलून लेके अपने शिन के पास चला जाता है और उसके पास जाके बोलता है कि तुम इसके ऊपर एक मदर का फेस, डैडी का फेस और ब्रदर सिस्टर का फेस बना दो एक एक के ऊपर। और अपने जो शिन होता है वो मान जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है बैलून वाला वो घूम रहा होता है और कोतरो को ढूंढ रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो बच्चा गया कहाँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो कोतरो होता है वो एक प्लेग्राउंड में खेल रहा होता है और वो बंदा उसको देख लेता है और फिर देखते हैं कि वो बलून्स के साथ खेल रहा होता है। और फिर वो जो बंदा होता है जिसने उसको बलून दिए होते हैं वो सोच रहा होता है कि अरे मैंने इसको बलून दिए और इसने सारे अपने पास रख लिए। और फिर वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी अपना जो ये कोतरो के पास बलून होता है वो सारे घूम जाते हैं और उसके ऊपर एक मम्मा सिस्टर और डैडी ब्रदर लिखा रहता है। और अपना बलून वाला जो बंदा होता है वो उसको देख कर थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो वहीं पर खड़े होकर कोतरो को उन सारे बलून के साथ खेलते हुए देख रहा होता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना जो कोतरो होता है वो स्कूल में होता है और वो सभी बच्चों को देख रहा था कि उसके पेरेंट्स आ रहे होते हैं उसको लेने के लिए। और वो देख के थोड़ा सा सैड हो जाता है, मगर फिर तभी अपना जो शिन होता है वो उसको लेने आ जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो कोतरो और शिन होते हैं वो दोनों जा रहे होते हैं रास्ते में और तभी अपना जो शिन होता है उसके एडिटर का फ़ोन आ जाता है और वो उसको अर्जेंटली बुला रहा होता है स्टूडियो पे। तो अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है कि अच्छा क्या हुआ, किसका फ़ोन था? तो बोलता है कि मेरे एडिटर का है, वो कितना परेशान करता है मेरे को। तो अपना जो कोतरो बोलता है अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अपना जो कोतरो और शिन होते हैं वो स्टूडियो पहुंच जाते हैं और अपना जो एडिटर होता है वो कोतरो को देख रहा होता है और अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है कि मेरा नाम कोतरो शाटो है और मैं इनका नेबर हूँ। और फिर जो एडिटर होता है वो बोलता है कि अच्छा चलो बैक टू बिजनेस। और फिर अपना जो शिन होता है वो उसको उसके मांगा पेजेस दिखाता है और अपना जो एडिटर होता है वो मांगा पेजेस को जज कर रहा होता है और तभी अपना जो कोतरो होता है बगल में आके बैठ जाता है और वो भी देखने लगता है। और फिर जो अपना एडिटर होता है वो मतलब शिन के मांगा में कुछ कमियां निकाल रहा होता है, मगर अपना जो कोतरो होता है वो बगल में बैठे बैठे बोल रहा होता है कि नहीं ये तो परफेक्ट है, इतना अच्छा ड्राइंग है। और फिर तभी अपना जो कोतरो होता है वो उसको बोलने लगता है कि अगर तुम्हें इतना ही जज करने का मन है तो खुद ड्रॉ करके देखो कितना मुश्किल होता है। और तभी अपना जो शिन होता है वो कोतरो का मुंह पकड़ लेता है ताकि गलत कुछ ना बोले। और फिर अपना जो शिन होता है वो बोलता है कि मैं अपने आप को एक्सक्यूज कर सकता हूँ और फिर वो बाहर चला जाता है। फिर अपना जो कोतरो होता है वो एडिटर को बोलता है कि अब हम अकेले हैं तो हम अकेले में बात कर सकते हैं। तो अपना जो कोतरो होता है वो एडिटर से पूछता है कि तुम उसके मांगा पेजेस में इतना कमी क्यों निकालते हो? तो एडिटर बताता है कि मुझे शिन से हाई एक्सपेक्टेशंस है और वो जो ड्राइंग करता है वो अगर अपने आप को थोड़ा परफेक्ट कर लेगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकता है। फिर अपना जो कोतरो होता है वो एडिटर से पूछता है कि तुम इसकी इतनी कमियां निकालते हो फिर भी तुमने इसको हायर कर रखा है, ऐसा क्यों? तो अपना जो एडिटर होता है वो बोलता है कि हाँ इसमें बहुत सारी कमियां हैं मगर उसका जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर ये अपनी ड्राइंग को थोड़ा परफेक्ट कर लेगा तो ये काफ़ी अच्छा कर सकता है। मेरे वर्ड्स भले ही हार्श हो सकते हैं मगर ये उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, अगर मैं उसको ऐसा बोलूँगा तो वो और कोशिश करेगा और उसका जो ड्राइंग है और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, उसको दर्द पहुँचाने के लिए नहीं मैं ऐसा हार्श वर्ड यूज़ करता हूँ। और फिर
सीन कट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि अपने जो कोत्रू और शिन होते हैं वो एक मेट्रो में होते हैं, और वहाँ पे अपने जो कोत्रू होता है वो शिन को बोल रहा होता है कि तुम्हारा जो एडिटर है वो काफ़ी अच्छा इंसान है और तुम अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो तुम उसके लायक बन सकते हो। तो अपना जो शिन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा क्या हो गया जो इसका मन बदल गया एडिटर की तरफ से। और फिर अपना जो शिन होता है वो कोत्रू को बोलता है कि आज जो तुम बोलने वाले थे उसकी वजह से वो मुझे फायर कर सकता था। तो अपना जो कोत्रू होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी बस मदद करना चाहता था क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे एहसान है मेरे ऊपर। फिर अपना जो शिन होता है वो सारे एहसान याद करने लगता है जो उसने उसके ऊपर किए होते हैं। और फिर हमें दिखाया था अपना जो कोत्रू होता है वो बोलता है कि अगली बार जब तुम स्टूडियो जाओगे तो मुझे भी लेकर चलना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो बोलता है अच्छा तुम्हें जो करने करो। तो फिर हमें दिखाया था अगले सीन में कि अपना जो कोत्रू होता है शिन के साथ स्टूडियो आ जाता है और वो दोनों के दोनों जज करते हैं, अपना जो एडिटर होता है और कोत्रू दोनों के दोनों शिन के मांगों को जज कर रहे होते हैं। और फिर अपना जो एडिटर होता है वो बोलता है कि नहीं ये इतना भी कुछ खास नहीं है। तो अपना जो कोत्रू होता है वो भी बोलता है हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। और फिर अपना जो शिन होता है वो अपने मन में सोचता है अरे मुझे तो लगा ये मेरे साइड में है। और तभी वहीं पे सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया था अपना जो कोत्रू होता है वो इसामू का डोर बेल बजाता है और अपना इसामू निकलता है और कोत्रू को गले लगाने की कोशिश करता है, मगर अपना जो कोत्रू होता है वो अपना स्वॉर्ड निकाल के उसको बोलता है कि अगर तुम मुझसे दूर रहो वरना तुम मेरा ब्लेड टेस्ट करोगे। फिर अपना जो कोत्रू होता है वो इसामू को बोलता है मुझे हेल्प करो एक शॉपिंग ट्रिप में, और फिर वो उसके एक मैगजीन देता है जिसमें फैशन के बारे में होता है। और फिर अपने जो इसामू होता है वो कोत्रू को बोलता है मुझे नहीं पता था तुम फैशन में इंटरेस्टेड हो। फिर अपना जो कोत्रू होता है वो बोलता है ये मेरा गोल है कि मैं अट्रैक्टिव और पॉपुलर बनूँ। और फिर हमें दिखाया था कि अपने जो कोत्रू और इसामू होते हैं वो दोनों मेट्रो पकड़ के शॉपिंग मॉल आ जाते हैं और वहाँ पर वो लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। और फिर जब अपना जो कोत्रू होता है वो अपना ड्रेस चेंज कर रहा होता है तो अपना जो इसामू होता है वो उसको बोलता है कि बताओ तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा क्रश कौन है। तो अपना कोत्रू बोलता है मेरा कोई क्रश नहीं, बोलता है अरे बता दो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो अपना जो कोत्रू होता है वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे किसी के ऊपर भी क्रश नहीं है। और फिर तभी वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड वाला आ जाता है और वो उसको बोलता है कि कस्टमर्स तुम्हारे बारे में कंप्लेन कर रहे हैं कि तुम ड्रेसिंग रूम के सामने आके पीप कर मतलब ताका झाकी कर रहे हो। और फिर तभी हमें दिखाया था कि अपना जो कोत्रू होता है वो ड्रेस पहन के बाहर आ जाता है और वो बोलता है इसामू बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। तो अपना जो इसामू होता है वो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। और फिर अपना जो कोत्रू होता है वो सिक्योरिटी गार्ड से और वहाँ पर बहुत सारे लोगों से पूछता है कि बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या मैं कूल लग रहा हूँ। तो सभी बोलते हैं हाँ तुम अच्छे लग रहे हो। और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया था वो लोग बाहर आ जाते हैं और फिर वो लोग मेट्रो पकड़ के घर वापस आ जाते हैं। फिर तभी रस्ते में जाते जाते इसामू कोत्रू से पूछता है कि तुम इम्प्रेस किसको करना चाहते हो एक्चुअल में। तो अपना जो कोत्रू होता है वो बोलता है कि मैं सभी को इम्प्रेस करना चाहता हूँ क्योंकि जब मैंने टीवी देखा तो उसमें बताया कि जो भी पॉपुलर और अट्रैक्टिव होते हैं वो उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं और जिसके बहुत सारे दोस्त होते हैं उनको कोई भी हेट नहीं करता है। और फिर अपना जो इसामू होता है वो कोत्रू को देखने लगता है और फिर अपना जो इसामू होता है वो कोत्रू के आगे आ जाता है और बड़े प्यार से बोलता है कि क्या तुम्हें कोई जो हेट करे उनसे तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है क्या। तो अपना कोत्रू थोड़ा सा उदास हो जाता है और सर नीचे झुका के बोलता है हाँ। फिर इसामू कोत्रू को बोलता है कि क्लोज माइंडेड पीपल जो होते हैं वो तुम्हें हमेशा हेट करेंगे चाहे तुम स्टाइलिश हो या नहीं हो। फिर अपना कोत्रू बोलता है अच्छा ऐसा है क्या। फिर अपना इसामू बोलता है हाँ देखो अगर तुम स्टाइलिश हो या नहीं हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ बस इतना ही काफ़ी है और ये बात हमेशा याद रखना। और फिर तभी अपना जो इसामू होता है उसके पीछे एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो बोलता है कि हे तुम्हारा इस बच्चे से क्या रिलेशनशिप है और तुम अपना आईडी दिखाओ। और तभी अपना जो कोत्रू होता है वो आगे आ जाता है और उसको बोलता है कि ये मेरा फ्रेंड है और इसने कुछ भी गलत नहीं किया, ये मेरा नेबर भी है। और फिर अपना पुलिस ऑफिसर जो होता है वो बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या। और तभी अपना जो इसामू होता है वो कोत्रू को गले लगा लेता है और फिर उसको पकड़ के मतलब अच्छे से प्यार करने लगता है। और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अपना जो मिज़ुकी होती है वो किसी को बोल रही होती है कि थैंक यू मेरे को सेलेक्ट करने के लिए और फिर वो अचानक से चुप हो जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर कोत्रू बैठा हुआ रहता है और फिर वो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो अपना जो कोत्रू बोलता है मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है और फिर जो मिज़ुकी होती है वो वहाँ से चली जाती है। और फिर वो जब वापस आती है वहाँ से तो वो देखते हैं कि वहाँ पे कोत्रू जो होता है वो सबको इम्प्रेस कर लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहा होता है सबके साथ। और फिर तभी वहाँ पे अपना जो शिन होता है वो आ जाता है और उसको लेके चले जाता है। और तभी अपना जो वहाँ पे जो वेटर होता है वो उसको बोलते हैं यहाँ पे जो बच्चे ने मिल्क और बाकी सब ऑर्डर किया है उसके तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। और फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि अपनी जो मिज़ुकी होती है वो फिर से किसी को बोलती है सर थैंक यू मेरे को सेलेक्ट करने के लिए और ये कोई और नहीं अपना कोत्रू ही होता है। और फिर तभी मिज़ुकी कोत्रू को बोलती है मुझे पता है तुम मेरे साथ हैंग आउट करना चाहते हो मगर ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम हैंग आउट कर सकते हो, हम लोग वहाँ अपने अपार्टमेंट में मिलते ही रहते हैं ना, वहाँ हम लोग अच्छे से हैंग आउट करेंगे
तो अपना जो कोत्रो होता है वो बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या। फिर अपनी जो मिजुकी होती है वो बोलती है कि लास्ट टाइम भी तो हमने हैंग आउट किया था, हम लोग ने स्नैक्स खाए थे एक साथ, और तभी हमें वहाँ का सीन दिखाने लगता मतलब पास्ट का, और हमें दिखाया जाता कि अपनी जो मिजुकी होती है उसको एक फ़ोन आता है और वो बात ही बात में बोल रही होती है कि उसको अपार्टमेंट खाली करना पड़ेगा, और यही चीज़ अपना जो कोत्रो होता है वो सुन लेता है। और तभी अपनी जो मिजुकी होती है वो उसको बता रही होती है कि मुझे अपार्टमेंट खाली करना पड़ेगा, और अपना जो कोत्रो होता है वो तब तक में वहाँ से चला जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि अपना जो कोत्रो होता है वो शीन के पास जाके चला जाता है और उससे बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि बताओ कि मुझे म्यूजिक के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो अपना जो शीन होता है वो कोत्रो को बोलता है तुम्हारा पता नहीं, अगर मैं होता तो मैं उसके क्लब चला जाता हैंग आउट करने के लिए। फिर हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जो कोत्रो होता है वो म्यूजिको को बोल रहा होता है कि अगर मैं डेली तुम्हें यहाँ आकर सेलेक्ट करता रहा तो इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। और फिर अपना जो म्यूजिकी होती है वो कोत्रो के पास बैठ जाती है और उसको कस के पकड़ लेती है, और फिर तभी वहाँ पे अपना जो शीन होता है वो आ जाता है और फिर उसको बोला आगे फिर तुम यहाँ पे आ गए, तो अपना जो म्यूजिकी होती है बोलता है अच्छा कोई बात नहीं। और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि पिकनिक डे होता है जहाँ पे अपनी जो म्यूजिकी होती है और कोत्रो होते हैं वो लोग पिकनिक मनाने आए होते हैं, और अपनी जो म्यूजिकी होती है वो कोत्रो को बोल रही होती है कि अच्छा रुको मैं तुम्हारे एक अच्छा सा पिक्चर खींचती हूँ। और तभी वहाँ पे अपना जो शिन होता है आइसक्रीम लेके आ जाता है और वो लोग वो पिक्चर वाली बात भूल जाते हैं, और फिर अपना जो कोत्रो होता है वो आइसक्रीम खा रहा होता है और वो अपने मुंह पे सारा आइसक्रीम लगा लेता है, और तभी अपनी जो म्यूजिक भी होती है वो बोलती है अच्छा रुको मुझे एक पिक्चर लेने दो ऐसे करके, और अपना शिन होता है वो भी बोलता है कि मुझे भी एक पिक्चर लेने दो, और फिर हमें दिखाया जाता है कि और फिर हमें दिखाया था अपना जो कोत्रो होता है वो उनको पिक्चर नहीं लेने देता और वो अपना मुंडी बार बार हिलाए जा रहा होता है ताकि उसका पिक्चर ना आए, और फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो कोत्रो होता है और बाकी सब होते हैं वो उसकी काफ़ी ज़्यादा पिक्चर लेने की कोशिश करते हैं मगर अपना जो कोत्रो होता है वो उनको पिक्चर लेने नहीं देता, और तभी अपना जो शीन होता है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है पिक्चर लेते लेते, और तभी वहाँ पे अपना जो शीन होता है उसको याद आ जाता है कि उसका एडिटर एक बार बोल रहा होता है कि उसको एक वुमेन और चिल्ड्रन का पिक्चर जो है मतलब ड्राइंग है वो अच्छे से बनाना चाहिए, तो अपना जो शीन है वो कोत्रो और मिजुकी का एक अच्छा सा पिक्चर बनाने लग जाता है उधर ही बैठ के। और फिर हमें दिखाया कि वो लोग रास्ते में आ रहे होते हैं मतलब पिकनिक करके वापस आ रहे होते हैं, तो वो लोग बात कर रहे होते हैं कि उसको एक भी अच्छा पिक्चर नहीं मिला कोत्रो का, और फिर अपना जो सीन होता है वो कोत्रो को बोलता है कि तुम किसी को अपना पिक्चर लेने क्यों नहीं देते, और मैंने ग्रुप फोटो में देखा कि तुमने अपना आँख हाइड करके रखा हुआ है, तो अपना जो कोत्रो होता है वो बोलता है हाँ ऐसा ही है। तो अपना जो कोत्रो होता है उसका हमें पास दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है अपना जो कोत्रो होता है एक ऑर्फन में रहता है, और वहाँ पर उसका जो डैड होता है वो वहाँ के मालिक को डांटता होता है कि अपने उसका जो कोत्रो है उसकी पिक्चर क्यों डाली वेबसाइट के ऊपर, और तभी से अपना जो कोत्रो होता है वो किसी को भी अपना पिक्चर लेने नहीं देता। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे अपना जो कोत्रो होता है वो स्कूल जा रहा होता है और उसके बगल में शीन होता है, और फिर अपना जो शीन होता है वो कोत्रो को एक पेपर देता है जिसमें कि कोत्रो का पिक्चर बना हुआ रहता है, और वो बोलते हैं कि मैंने एक म्यूजिको को भी दे दिया है, और फिर अपना जो कोत्रो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है उस पिक्चर को देख के, और अपना जो कोत्रो होता है वो बोलता है कि मगर तुम्हें अभी भी अपने ड्राइंग्स के ऊपर इम्प्रूव करना होगा, तो अपना जो शीन होता है वो बोलते हैं ये बच्चा, और फिर अपना जो कोत्रो होता है वो शीन को बोलता है क्या तुम इसको कलर कर सकते हो मेरे लिए बाद में, तो अपना शीन बोलता है हाँ ज़रूर। और फिर सीन कट होता है, हमें एक ऑफिस दिखाता है जहाँ पे एक मैनेजर होता है वो कोबायाशी करके एक लेडी को बुलाता है और वो बोलता है कि ये आज से तुम्हारा एक नया असाइनमेंट है, तुम्हें ये पैसे एक बच्चे के घर पहुँचाने होंगे इस एड्रेस पर। फिर कोबायाशी बोलती है कि क्या हम इसको डायरेक्ट अकाउंट में नहीं डाल सकते, तो अपना उसका जो मैनेजर होता है वो बोलते हैं नहीं हमें इसको हैंड टू हैंड देना पड़ेगा क्योंकि उसके पास कोई भी एक बैंक अकाउंट नहीं है, और ये असाइनमेंट तुम्हें करना ही होगा, ये ऊपर से ऑर्डर आया करने के लिए। तो कोबायाशी वहाँ से चली जाती है, और फिर तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अपनी जो कोबायाशी होती है वो कोत्रो के घर पहुँच जाती है और वहाँ खड़े होकर एक लंबी सांस लेती है और दरवाज़ा खोलता है अपना कोत्रो, और तभी अपना कोत्रो बोलता है थैंक यू फॉर कमिंग, और फिर वो उसका अच्छे से वेलकम करता है और बोलता है कि तुम पक्का मेरी एक अकाउंट की नई मैनेजर होगी, और फिर अपने जो कोबायाशी होती है वो अंदर आ जाती है और वो वहाँ बैठ के सोच रही होती है ये इतना छोटा है और इसको मुझे पता नहीं था कि इतना छोटा रहेगा, मुझे लगा कोई बड़ा आदमी होगा। और फिर अपना जो कोत्रो होता है वो कोबायाशी को एक मिल्क का मतलब ग्लास देता है पीने के लिए, और फिर अपना जो कोत्रो होता है मिल्क पीते पीते बोल रहा होता है कि ओ सॉरी मैंने तुम्हें अपना तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा, तो कोबायाशी उसका अपना नाम इंट्रोड्यूस करती है कि मैं कोबायाशी हूँ। और फिर हमें दिखाया था अपना जो कोत्रो होता है वो कोबायाशी का काफ़ी अच्छे से एंटरटेनमेंट करता है, उसको दो दो सामान का एक अच्छा सा सॉन्ग सुना के देता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो कोबायाशी होती है वो उसका अलाउंस दे देती है,
और फिर अपना जो कोत्रो होता है वो भी उसको एक रिटर्न गिफ्ट देता है और बोलता है थैंक यू तुम इतना टाइम लगा मतलब टाइम निकाल के मेरे को यहाँ पैसे देने आई। और फिर अपना जो कोत्रो होता है वो कोबायाशी से पूछता है कि क्या अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ। तो कोबायाशी बोलती है हाँ करो। और फिर अपना जो कोत्रो होता है वो बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये पैसे कहाँ से आते हैं। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाता है जहाँ पे कोबायाशी को उसका मैनेजर बुलाता है और बोलता है ये लो तुम्हें काम आएगा जब वो गाना गाएगा। और वो उसको बोलता है कि अगर कोत्रो तुमसे पूछे कि ये पैसे आते कहाँ से हैं तो तुम बस बोल देना कि एक भले इंसान बड़े ही जेनरस इंसान ने ये पैसे भेजवाए हैं। और फिर कोबायाशी बोलती है कि ये पैसे आते कहाँ से एक्चुअल में। तो उसका मैनेजर बोलता है कि उसके मदर के लाइफ इंश्योरेंस से पैसे आते हैं और वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया था जहाँ पे अपनी जो कोबायाशी होती है वो अपने मन में सोच रही होती है बेचारे को पता भी नहीं इसके पैसे कहाँ से आते हैं। और फिर वो बोलती है कि ये एक बहुत ही जेनरस पर्सन से दिए गए पैसे हैं। और फिर उस अपना जो कोत्रो होता है वो बोलता है कि तुम्हारा मैनेजर भी यही बोलता है, मतलब जो भी आता है वो यही बोलता है। और यहीं पर ये प्यारा सा एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम मिलते हैं अगले वीडियो तक, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।